इन द स्टार्टिंग, बस मैं इतना ही सोच पा रहा हूँ, कोई अगर परेशान हो तो उसकी जान छोड़ दो, और ये मनी हाइस्ट वाला गांडिया है ना, इसकी टांग तोड़ दो। नहीं भाई, इतनी बकचोदी कि मेरे अंदर की बकचोदी टीवी में जाकर पूछ रही है, बहन क्या खाती है सप्लीमेंट में इस लेवल की बकचोदी के लिए? ये तो साला रोज सिर्फ रोटी खिला रहा है, डेफ 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 दो गालियां। इस गांडिया के चक्कर में मेरे खुद के लोग, मेरी खुद की बकचोदी मेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई है। बताओ मैं क्या करूं गुरु, इसकी ढोलक बजाएं या फिर इसकी तोड़ना ही सही होगा? देश में मेरे बचपन का प्यार के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा डिमांड पर है तो वो है नेटफ्लिक्स का अकाउंट। और कल यानी 3 सितंबर को मनी हाइस्ट सीजन 5 का पहला वॉल्यूम रिलीज हो गया। पूरे 5 एपिसोड दिखाए हरामजादों ने, बाकी के खुद ही रख लिए। मुझे तो डर है कहीं इंटरनेशनल मार्केट में इसकी भैया बोली ना लगवा दें। हमारा क्या होगा, हमारे पास तो सिर्फ पापा का एक जोड़ी जूता है और 2 पेंटे। पहले वॉल्यूम में क्या क्या नहीं है गुरु, पहले एपिसोड जो स्पीड पकड़ता है, आखिर तक आते आते वो आपको शॉक कर देती है और हो सकता है आपको इमोशनली रुला भी दे। सीजन में प्रोफेसर की जाम से लेकर गांडिया की उस तक सब दाव पे लगा था। सबके सवाल यही थे, क्या मनी हाइस्ट की टीम सोना पिघलाकर आगे बाहर निकल पाएगी, या फिर प्रोफेसर अभी भी जिंदा होंगे, या आगे प्रोफेसर का क्या प्लान होगा? गुरु प्लान से याद आया कि भाई नेटफ्लिक्स का प्लान कल ही खत्म हो गया, और फिर प्लान पढ़ाने के लिए पहले प्लान बनाया गया कि पहले पापा की प्लेन चप्पल को कहां दबकाया जाए, और फिर 2-3 चपाट खाने के बाद और शर्मा जी के लौंडे की तारीफ सुनने के बाद कई मनी हाइस्ट को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन मजा आ गया सच में गुरु, इसने एकदम फुल टू इंटरटेनमेंट प्राप्त कराया है। आगे बढ़ते हैं और इन 5 एपिसोड में आकर है क्या क्या ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो इंस्पेक्टर एलिजिया सायरा, इन्होंने अपने अंग्रेजी कट्टे की दम पर जो प्रोफेसर को नाच नचाया है उससे गा से गांठ से लेकर गा से घुंघरू तक सब टूट गया। मतलब जितना सुपर डांसर में सिल्वा सिटी ने डांसर को सुपर से ऊपर नहीं दिया ना, उससे ज्यादा तो सायरा ने प्रोफेसर को शॉक दे दिए हैं गुरु। ये सब देखकर मेरे मन अंदर से कह रहा था कोई रोको इस पगली को, वो प्रोफेसर है कोई बैंड मास्टर का ढोलक नहीं जिसे बजाई जा रही है, बजाई जा रही है। दूसरी तरफ कर्नल लुईस तवाओ, सिचुएशन को ये हैंडल कर रहे हैं या सिचुएशन इन्हें हैंडल कर रही है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक बार को तो सिचुएशन ने भी कहा होगा भैया इतना हेड पैनिक क्यों दे रहे हो, परेशान हमें तुम्हें करना है, तुम्हें हमें नहीं। फाइनली गेरबटो करने के बाद कर्नल डिसीजन लेता है कि ये 7-7 फुट के मुसगंडे मतलब कमांडो इन्हें बैंक के अंदर भेज दिया जाए। अब आगे क्या होगा, क्या टीम अपना काम सही से कर पाएगी या फिर कर्नल के कमांडो सब कुछ खत्म कर देंगे, ये सवाल आपको परेशान करता रहेगा क्योंकि पूरी टीम से आपका एक अलग सा कनेक्शन बन जाता है। जैसे जैसे टीम के इमोशन चलते हैं वैसे वैसे आपके भी इमोशन चलते हैं, पैरेलल प्लस कॉन्स्टेंट इमोशन, यही चीज मार्बल्स को स्पेशल बनाती है, उसकी मूवीज के साथ आपका एक अलग सा बॉन्ड बन जाता है। अब जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है कि प्रोफेसर का कनेक्शन जब टीम से टूट गया है तो टीम आगे कैसे वर्क करेगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बैंक के अंदर मौजूद प्रोफेसर की पूरी टीम प्लान एग्जीक्यूट करने में लगी है और प्रोफेसर के लापता होने के बाद मानो कि इनकी भी बत्ती गुल हो गई है। आगे स्टोरी फ्लैशबैक में कुछ सीन्स चलाती है, लास्ट सीजन में लिए गए प्रोफेसर के डिसीजन और एक्शन का रीजन इस सीजन में नजर आता है। प्लान इतना दमदार है जितना कि सल्लू भाई का राधे सब कुछ फाड़ देगा। वही गांडिया और अस्टा की बकचोदी अभी भी अपने पीक पर है जो आपको सीरियस सिचुएशन में भी कॉमेडी की वाइब प्रेजेंट कराती है। इन्हीं सब के साथ मनी हाइस्ट इतनी पॉपुलर क्यों है इसका भी रीजन आपको लास्ट में देखने के बाद मिलता है। बढ़िया स्टोरी लाइन, टर्न एंड ट्विस्ट, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, VFX सब कुछ लाजवाब था। और सबसे बड़ी बात कि स्टोरी आपको जिंदगी की कुछ हकीकतों से रूबरू कराती है, आप अपनी लाइफ में डिसीजनों से आगे और पीछे जाते हैं। एक्टिंग सभी कैरेक्टर्स ने दमदार की है, वहीं गांडिया आपको कुछ बकचोदियों से और लास्ट तक एंटरटेन कराता है। अब तो गुरु बस इंतजार कोरोना वैक्सीन की सेकंड डोज का और 3 दिसंबर का, क्योंकि 3 दिसंबर को मनी हाइस्ट के सीजन 5 के दूसरा वॉल्यूम रिलीज होने वाला है, तो उसमें क्या टर्न और ट्विस्ट होंगे ये देखने में काफ़ी इंटरटेनमेंट आएगा। तो अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और रिव्यू देखना अगर पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ, टेक केयर एंड बाय बाय।